की कहानी है, बेटा बहू को टाइफाइड है, मायके भेज दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे मिताली, 7 बज रहे हैं, जल्दी उठो, मेरे साथ नाश्ते का प्रबंध करो, नहीं तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। संजय ने अपनी पत्नी से कहा। संजय ने मिताली के सिर पर हाथ रख कर देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। संजय सीधे अपनी माँ के कमरे में गया। मामा, मिताली को बहुत तेज बुखार है, आज मंथ एंड है, मुझे ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं छुट्टी ले लेता। आज जल्दी से मेरे लिए शाही नाश्ता बना दीजिए प्लीज। मिताली को नाश्ता खिलाकर दवा देकर मैं ऑफिस निकल जाऊंगा। संजय ने माँ से कहा। बेटा तू ऐसा कर, ऑफिस जाते जाते बहू और गुड़िया को उसके मायके छोड़ दे, वहाँ उसकी देखभाल अच्छे से हो पाएगी, सास नीलिमा जी ने कहा। पर माँ, मेरा ऑफिस और मिताली का मायका दोनों उल्टी दिशा में है। नीलामी जा मन ही मन बड़बड़ाने लगी। आजकल की सुई मुई सी कुमार लड़कियों बात बात पर बीमार पड़ जाती, हम तो बीमारी में भी उठ खड़े होते थे। मिताली के ससुराल में मिताली, उसके सास ससुर, उसके पति और 5 वर्षीय बेटी गुड़िया थे। नीलिमा जी के माथे पर बल पड़ गया, लेकिन बहू की तबीयत खराब थी, इसलिए नाश्ता खाना सारे काम उन्हें करने थे। बहुत दिनों से काम ना करने की वजह से उनसे अब काम नहीं किया जा रहा था। नाश्ता बनाने के बाद उन्होंने घर की सफाई शुरू की। घड़ी की तरफ देखा तो सफाई अधूरी छोड़ लंच बनाने के किशन का रुख किया। तो काम करते करते हालत पसत हो चुकी थी। खाना बनाकर वह ने अपना और अपने पति का खाना परोसा। पहले बहू के लिए खाना परोस लो, बहू के कमरे में जाकर देखो अब कैसी तबीयत है। नीलिमा जी के पति संतोष जी बोले, नीलिमा जी बहू के कमरे में जाती, बहू उठो थोड़ा खाना खा लो, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें तुम्हारी सास खाना परोस कर दे रही है। बहुत सी सास ऐसी होती है जो बहू की तबीयत खराब होने पर भी उसे पूरा काम करवाती है। हमारी भी तबीयत खराब होती थी, पर ऐसे बिस्तर पर पकड़ कर नहीं बैठते थे, बीमारी में भी किसी की सेवा नहीं लेते थे। नीलिमा जी ने एहसान जताते हुए बोला, बुखार के कारण वैसे भी खाने की इच्छा नहीं थी, अब तो सास की बातें सोच मिताली को खाने से मन उतर गया। शाम को संजय मिताली को हॉस्पिटल ले जाता है। सारी टेस्ट रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि मिताली को टाइफाइड हो गया। नीलिमा जी संजय को कहती है, देखो बेटा बहू 3 दिन से बहुत बुखार में, 15 दिन और हो जाएंगे उसे ठीक होते होते, यहाँ मुझे बहुत परेशानी हो रही है। बहू का अलग खाना बनाना, शाही दूर, उसके कपड़े धोना, बहुत काम बढ़ गया, ऐसा करो मिताली और गुड़िया को उसके मायके छोड़ आओ। लेकिन मायके में भी तो उसके मम्मी पापा अकेली रहते, उसकी मम्मी भी तो उम्र दराज हो गई और उसके पापा की पिछले महीने बाईपास रेंजी हुई थी। मिताली और गुड़िया के जाने से उन्हें परेशानी होगी। संजय ने कहा, मुझे तो नहीं होगी बहू की सेवा। नीलिमा जी ने 2 टूक जवाब दे दिया, ठीक है माँ, संजय बोला। मिताली अपने शरीर को जैसे तैसे खींचते हुए पानी लेने किशन की तरफ आ रही थी कि उसने नीलिमा जी और संजय की सारी बातें सुन ली थी। वो डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींच कर बैठ गई। मेरा मायका क्या सुधार ग्रह है जो आप लोग मुझे बीमारी में वहाँ भेज देते। सालों से मैं अकेले घर का सारा काम करती आई हूँ, सही नाश्ता, लंच, डिनर, घर की साफ सफाई, सबके कपड़े धोना।
ये सबका काम करती हूँ पर मेरी जरूरत के समय कोई मेरी मदद को तैयार नहीं। मुझे मायके भेजने की बात की जा रही है। 2 साल पहले जब स्कूटी से गिरने के कारण पैरों में प्लास्टर आ गया था तब भी आप लोगों ने मुझे मायके भेज दिया था ताकि बहू की सेवा ना करनी पड़े। आप तो सबसे कहती फिरती हमारा सास बहू का नहीं माँ बेटी का रिश्ता। बहू अगर समझती है तो दिन रात ससुराल में रहकर काम करे और बीमार पड़ जाए तो उसे मायके भेज दिया जाए। ये कहाँ का हिसाब है। वैसे तो आप मुझे मेरे माँ पापा से मिलने 4 दिन के लिए भी जाने नहीं देते। बहू के लिए कुछ करना बोझ क्यों लगता है। मिताली ने अपने पति की ओर देखते हुए कहा, आपकी इतनी कमाई तो है जिससे आप ऐसे समय घरेलू सहायता का इंतजाम कर सके। इससे मेरी ससुराल में रहती अच्छी सी देखभाल भी हो जाए और मम्मी पापा की मदद। तभी मिताली के ससुर रमाकांत जी आते अपनी पत्नी नीलिमा जी से कहते, तुम बहू के साथ गलत कर रही हो। बहू साल 6 महीने में बीमार पड़ती है, बाकी समय तो वो घर का सारा काम संभालती है। तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ता। जब बहू हमारा इतना ध्यान रख सकती है, बदले में हमसे कोई उम्मीद भी नहीं रखती। जरूरत पड़ने पर सब एक दूसरे का सहयोग करें, यही तो परिवार है। अगर तुमने जरूरत के समय बहू की देखभाल मदद कर दी तो इसे एहसान मानने की क्या बात है। भविष्य में बहू ही तो हमारी देखभाल करेगी, ये उसका हमारे प्रति फर्ज होगा। वैसे ही आज जरूरत के समय बहू की देखभाल करना हमारा फर्ज है। फिर नीलिमा जी ने बहू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम मायके नहीं जाओगी, यही अपने घर में हम सबके साथ रहोगी। तेरे खाने पीने दवाइयों का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बहू भी परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अब मैं बहू के प्रति अपना फर्ज निभाने से नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों जब बहू बिना किसी अपेक्षा के सबको संभालती है, परिवार के हर सदस्य का बखूबी ध्यान रखती है। बहू के बीमार पड़ने पर परिवार के हर सदस्य को उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे आराम देना चाहिए, ना कि एहसान जताना चाहिए या मायके भेज देना।